एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में 1 जून से एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो पेंशन रथ यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा उत्तर प्रदेश से 22 जून को एबी रोड से होते हुए खरगोन जिले में प्रवेश करेगी, जहां खरगोन और बड़वानी जिले के कर्मचारी वाहनों से दूधी धामनोद पहुंचकर यात्रा की अगवानी करेंगे। महेश्वर और कसरावत में यात्रा स्वागत के साथ आम सभा होगी, जिसके उपरांत यात्रा खरगोन पहुंचेगी। स्वागत के लिए जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। खरगोन से यात्रा भिकनगांव की ओर रवाना होगी। ये जानकारी मंगलवार को नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के जिला प्रभारी दिनेश पटेल ने निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से साझा की। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। के द्वारा नेतृत्व में पूरे भारत देश में यात्रा चल रही है पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर और निजीकरण हटाव को लेकर। इस यात्रा की शुरुआत बिहार के चंपारण से शुरू हुई थी, जहां से गांधी जी ने आज़ादी के आंदोलन की शुरुआत की थी, वहीं से इस यात्रा की शुरुआत की। उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और फिर उत्तर प्रदेश से होती हुई मध्य प्रदेश में 17 जून को उसका आगमन हुआ है। अनेक जिलों के भ्रमण करती हुई हमारे मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में 22 तारीख को प्रवेश कर रही है। पूरे खरगोन जिले के एनपीएस कर्मचारी किस उद्देश्य, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता हमारे एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी द्वारा पूरे भारत देश में चंपारण बिहार से 1 जून से 2023 से जो यात्रा निकाली गई एनपीएस भारत छोड़ो पेंशन रथ यात्रा, जो कि पूरे भारत में भ्रमण करेगी, उसी संबंध में ये उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश में 17 जून को प्रवेश कर चुकी है और इसी तारतम्य में हमारे खरगोन जिले में 22 जून 2023 को प्रवेश करेगी, उसी संबंध में हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इसमें 52 विभाग के कर्मचारी हमारे साथ हैं, जिसमें आपका पंचायत विभाग है, राजस्व विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, सारे विभाग के वे कर्मचारी जो एनपीएस धारी है, जिनको न्यू पेंशन स्कीम में लिया गया है, वो लोग इस यात्रा को सफल बनाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं और सभी लोग तन मन धन से इस यात्रा के स्वागत के लिए तैयारियां कर रहे हैं। लगभग कर्मचारियों की संख्या 3 से 5 हजार लोगों के बीच में रहेगी, जिसमें बाइक और कार दोनों प्रकार के वाहनों को मिलाकर 500 वाहन साथ में चलेंगे। ये यात्रा अपने खरगोन जिले के दूधी के पहले जो हमारी बॉर्डर है वहां से प्रारंभ होकर महेश्वर आएगी। महेश्वर से कसरावत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का संबोधन है, वहां से खरगोन आएगी, खरगोन के बाद ये भिकनगांव जाएगी, भिकनगांव से देसगांव जाएगी, देसगांव के बाद बुरहानपुर होते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। हम इस यात्रा के माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के 6 लाख कर्मचारी हैं सभी विभागों के मिलके, हम ये चाहते हैं, हम ये सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि समस्त कर्मचारियों को उनकी पुरानी पेंशन बहाली की जाए, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन बहाली हमारे बुढ़ापे के लिए बहुत नितांत आवश्यक है। आगामी अगर सरकार नहीं, हमने बहुत निवेदन आवेदन किया है और उसके बाद भी ये सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, तो हमारी आगामी रणनीति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और हमारी राष्ट्रीय टीम तय करेगी, उसी के अनुसार हम पूरे प्रदेश में काम करेंगे। ग्यारसीलाल पटेल, एनएमओपीएस, जिला अध्यक्ष, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।